डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरौल मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरौल मिली है, जिसके बाद वह मंगलवार को सुनारिया जेल से बाहर आ गया। हरियाणा की सुनारिया जेल से राम रहीम को मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। वह फरौल की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह ने जून 2024 में एक बार फिर से फरौल की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन की फरौल के लिए पंजाब और हरियाणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले फरवरी में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल ना दे। उस समय हाई कोर्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थाई रिहाई दिए जाने को चुनौती दी थी। क्या होती है फरौल? फरौल एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरौल की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। यह सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है। यह आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो। इसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके। इसे बिना कारण के भी दिया जा सकता है, क्योंकि जेल राज्य का विषय है, इसीलिए हर राज्य में फरौल को लेकर अलग अलग नियम हैं। उत्तर प्रदेश में फरौल देने का प्रावधान नहीं है। फरौल और पैरोल में क्या अंतर है? फरौल और पैरोल दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रिजन एक्ट 1894 में इन दोनों का जिक्र है। फरौल सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है, जबकि पैरोल पर किसी भी कैदी को थोड़े दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा फरौल देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण होना जरूरी है। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो जाए, ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो, या फिर कुछ और जरूरी कारण। किसी कैदी को पैरोल देने से इनकार भी किया जा सकता है। पैरोल देने वाला अधिकारी यह कहकर मना भी कर सकता है कि कैदी को छोड़ना समाज के हित में नहीं है। आपको याद दिला दें कि राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।